मार्गो गुड़ी एक नर्स थी जो अलीलों की देखभाल करती और बच्चों का ख्याल रखती। एक रात 12 बजे के आसपास उसकी नींद खुली और जब वो नीचे गई, उसने एक अजीब शख्स को देखा जिसे उसने अपने घर बुलाया था क्योंकि उसकी बेगम बीमार थी और बच्चे की देखभाल नहीं कर पा रही थी। बराए करम, मेरी बेगम बहुत बीमार है और मैं बच्चे को सुला नहीं पा रहा हूँ। मार्गो गुड़ी ने फौरन अपना सामान लिया और उसके साथ चली गई। वो चलते गए चलते गए और आखिर वो एक झोपड़े के दरवाजे के सामने रुके। मार्गो उस आदमी के पीछे गई और वो एक बहुत ही खूबसूरत बेडरूम के अंदर दाखिल हुआ जहाँ एक खातून लेटी हुई थी अपने बच्चे के साथ। सलाम मोहतरमा, आने के लिए शुक्रिया। जरा मेरे हाथों को देखो, मैं इन्हें हिला नहीं पा रही हूँ, बहुत दर्द हो रहा है। आप रुके, मैं अभी चेक करती हूँ। फिक्र मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगी, बस तुम मेरे बेटे को सुला सको तो बहुत अच्छा होगा। जरूर। मार्गो ने बच्चे को उठाया और उसके सर को अपने कंधे पर रख लिया। फौरन वो बच्चा सो गया। देखें, ये सो गया है। ओह, इसकी मासूम शक्ल पर मत जाओ, मेरा बेटा बहुत ही शरारती है, देखना ये जल्दी उठ जाएगा, अभी देखना। ओह, पर ये। और तभी बच्चे ने फिर से आंखें खोली और वो रोने लगा। मैंने तुमसे कहा था ना, जब तुम इसे दोबारा सुलाओगी तब ये मरहम लेना और इसकी पेशानी पर लगा देना, ये फौरन सो जाएगा, देखना। और उसने ऐसा ही किया। आखिर में जब मार्गो बच्चे को सुलाने में कामयाब हो गई, उसने मरहम लिया और धीरे से बच्चे की पेशानी पर लगा दिया। कुछ तो गड़बड़ है, अपने पूरे नर्सिंग करियर में मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। मार्गो एक बहुत ही मुश्ताक खातून थी और जब उसने देखा कि मियां बीवी एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे हैं, तब थोड़ा सा मरहम उसने अपनी पेशानी पर भी मल लिया। ऐसा करते ही उसे उस जगह के बारे में सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था। अचानक वो झोपड़ा अच्छी तरह से सजा हुआ लग रहा था। बिस्तर पर जो खातून थी वो एक खूबसूरत परी लग रही थी जो सफेद लिबास पहने हुए थी, और जो बच्चे के कपड़े थे वो चांदी की जाली से बने हुए थे, और जो आदमी था वो एक परी बादशाह था। मार्गो को अंदाजा हुआ कि वो परियों के घर में आ चुकी है, पर उसने कुछ भी नहीं कहा। और जैसे ही वो खातून बच्चे की देखभाल करने लायक हो गई, उसने परी बादशाह से कहा कि वो उसे घर वापस छोड़ आए। और इस तरह परी बादशाह ने मार्गो को घर पर छोड़ दिया, जिसे बिल्कुल इल्म नहीं था कि वो जान चुकी है कि असल में वो कौन है। बहुत बहुत शुक्रिया, ये लो तुम्हारे काम के लिए एक दर्जन सोने के सिक्के, खुदा हाफिज। ऐसा कहते ही परी बादशाह ने इजाजत ली और मार्गो ने देखा कि वो घोड़ा आसमान में उड़ गया। वाह, यकीन नहीं हो रहा मुझे। अब मार्गो घर पर अकेले ही रहती थी। जब वो छोटी थी उसकी अम्मी अब्बू गुजर गए थे और उसकी खाला जो खुद एक नर्स थी उसी ने उसे पाला। मार्गो अपनी खाला से बहुत प्यार करती थी, पर अफसोस पिछले साल बीमारी की वजह से वो भी गुजर गई और अब मार्गो पूरी तरह अकेली थी। कोई दोस्त नहीं, कोई खानदान नहीं, सिर्फ उसका कुत्ता उसके साथ था, विस्कस। शब्बा खैर विस्कस। अगली सुबह एक अजीब आवाज की वजह से मार्गो जाग गई, ऐसी आवाज जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। मार्गो, चलो उठो, मुझे सर पर लेकर चलो, मार्गो। जैसे ही मार्गो ने अपनी आंखें खोली, वो विस्कस को बात करते देखकर हैरान रह गई। विस्कस, क्या तुम बोल रहे हो? तुम बोल सकते हो या मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ? एक मिनट, तुम मुझे सुन सकती हो? हाँ। ओह, अच्छा हुआ, मैं कब से तुमसे बात कर रहा था। अब मैं सच में बाहर जाना चाहता हूँ, उसके बाद दुकान से तुम मेरे लिए एक हड्डी खरीद कर दोगी। वाह, यकीन नहीं हो रहा, ये उस परी की मरहम की वजह से हुआ है। परी का क्या? खैर छोड़ो ये सब, चलो चलें। मार्गो खुश थी और उसने विस्कस के लिए एक हड्डी खरीदी। दोनों खुशी खुशी पार्क में चल रहे थे जब उसने तितली को सूरजमुखी से बात करते सुना। आज का दिन सुहाना है। देखो तुम मुझसे बात मत करो। उसने नन्ही परियों को फूलों पर रंग लगाते हुए और चींटियों को सीधी कतार में चलते हुए देखा। हाँ चलते रहो, बस चलते रहो। और वो चिड़ियों को गाना गाते हुए भी सुन सकती थी। मार्गो को सब कुछ दिख रहा था और उसने जाना कि सच में कुदरत कितनी जादुई है।
और जैसे ही वो आगे चलते गए उसने देखा कि एक बूढ़ी खातून दरख्त के नीचे बैठी हुई है और दर्द से कराह रही है। फौरन मार्गो उनके पास गई। ओह, क्या आप ठीक हैं दादी माँ? मैं बस चल रही थी कि इन बूढ़ी हड्डियों में दर्द हो गया। मैंने सोचा कि कुछ देर के लिए बैठ जाऊं, पर अब भी उठ नहीं पा रही हूं और बहुत दर्द है अभी। जरा मुझे देखने दे, मैं एक नर्स हूँ। मार्गो नीचे झुकी और जैसे ही उसने उस बूढ़ी खातून के पैरों को छुआ, उसके हाथों से चमक सीधा उस बूढ़ी खातून के अंदर चली गई। आ, ये दर्द, एक मिनट, ये दर्द, ये दर्द तो गायब हो गया। और फौरन वो बूढ़ी खातून अपने पैरों पर खड़ी हो गई। ओ मेरी बच्ची, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं ठीक हूँ। तुमने ऐसा किया क्या? मैंने मार्गो हैरान थी। उसने विस्कस की तरफ देखा। तुम क्या चीज हो? मुझे भी नहीं पता। क्या तुमने वो चिंगारी देखी विस्कस? मैंने कोई चिंगारी नहीं देखी। मैंने देखा कि तुम्हारे छूते ही वो खातून शिफा हो गईं। तुम मुझसे बात कर सकती हो? ये क्या चल रहा है? जादू मेरे दोस्त विस्कस, ये जादू की वजह से हुआ है। चलो अब हम मार्केट चलते हैं, हमें बहुत सारी चीजें खरीदनी है। और इस तरह दोनों मार्केट चले गए और रास्ते में मार्गो ने एक भिखारी को खाना खिलाया, एक बूढ़े आदमी को रास्ता पार करवाया और बस हाथ छूकर ही उसने एक चिड़िया को ठीक किया। मार्गो अपने इस हुनर से काफी खुश थी, पर ये सब जल्द ही खत्म होने वाला था, क्योंकि जब वो मार्केट पहुंची उसने परी बादशाह को देखा जो हर स्टॉल से कुछ न कुछ ले रहा था, कभी फल, कभी अंडे और बहुत कुछ, पर कोई भी उस पर गौर नहीं कर रहा था। मार्गो फौरन उसके पास गई। कैसे हैं सर आप? उम्मीद करती हूँ कि आपकी बेगम और आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हों। पर उसकी बात ही नहीं खत्म हो पाई क्योंकि परी बादशाह उसकी तरफ हैरान होकर देख रहा था। क्या तुम मुझे देख सकती हो? देख सकती हूँ, हाँ बिल्कुल देख सकती हूँ, जैसे मैं आसमान में सूरज को देख सकती हूँ। परी बादशाह के चेहरे का रंग उड़ गया और वो फौरन आसमान में गायब हो गया। हाँ, देखा तुमने कितना बदतमीज था वो विस्कस। मार्केट से आते वक्त मार्गो ने नदी के पास एक आदमी को रोते हुए देखा। क्या बात है सर, आप रो क्यों रहे हैं? एक जादूगरनी, एक गलीज जादूगरनी ने मेरी आंखों की रोशनी छीन ली, क्योंकि जादू टोना करने में मैंने उसकी मदद करने से मना कर दिया और अब मैं देख नहीं सकता। आज मेरी बेगम का जन्मदिन है और शायद उसका आखिरी जन्मदिन है, क्योंकि वो बहुत बीमार है। वो घर पर मेरा इंतजार कर रही है। अब मैं क्या करूं? ओह नहीं, क्या मैं किसी तरह आपकी मदद कर सकती हूँ? क्या मेहरबानी करके एक दिन के लिए आप अपनी आंखें मुझे दे सकती हैं? हाँ, वो प्लीज बस एक दिन के लिए, मैं कल तक आपको लौटा दूंगा। पर मैं अपनी आंखें आपको कैसे दूं? बस ये कहो, मैं आपको वो दे रही हूँ जिससे मैं देख सकती हूँ। आज इसे ले लो और कल वापस मुझे दे देना। उस जादूगरनी ने मुझसे यही कहा था। उसने कहा एक नेक दिल का इंसान मुझे अपनी आंखें दे दे तो मैं फिर से देख सकता हूँ। नहीं, मत देना, ये जरूर कोई साजिश है, इस पर भरोसा मत करो। मुझे नहीं पता विस्कस कि मैं इस पर भरोसा करूं या नहीं, बस मुझे इतना पता है कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। और ऐसा कहते ही मार्गो आगे बढ़ी और उसने वो लफ्ज कहे। मैं आपको वो दे रही हूँ जिससे मैं देख सकती हूँ, आज इसे ले लो और कल मुझे वापस दे देना प्लीज। और जैसे ही मार्गो ने ऐसा कहा, एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई और वो बूढ़ा इंसान परी बादशाह में बदल गया और उसके साथ खड़ी थी परी मल्लिका। वो दोनों मुस्कुराए। आप? अच्छी किस्मत की वजह से तुम्हें परी बसारत और ताकत मिली, पर तुम्हारा दिल साफ था जिससे तुम एक परी कहलाने के काबिल हो। मार्गो गुड़ी, अब से हम तुम्हें एक परी में बदल देंगे अगर तुम सच में लोगों की मदद करना जारी रखना चाहती हो। मार्गो मुस्कुराई क्योंकि वो ये मौका नहीं गवाना चाहती थी। वो राजी हो गई और परी मल्लिका ने अपनी जादू की छड़ी घुमाई और फौरन ही मार्गो की पीठ पर दो पंख आ गए। तुम्हारा दिल सच्चा है, अब जाओ, हमारा नाम रोशन करो। और विस्कस?
ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मैं परी कुत्ता बन जाऊंगा? तो ये थी मार्गो की कहानी, जो अब एक परी है और विस्कस के साथ पूरी दुनिया घूमती है। मिलकर वो लोगों की मदद करते हैं, और अगर देखा जाए तो ये सब उस परी की मरहम के वजह से ही हुआ।